Welcome guys, our public school online classes. In this video, we are going to discuss about a very important cell organelle of the living being, which is known as lysosomes or suicidal bags of the cell. तो गाइज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल अर्थात कि कोशिकांग का अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में लाइसोसोम बोलते हैं, और इसकी कुछ फंक्शनल एक्टिविटी की वजह से इसको हम सुसाइडल बैग्स या फिर आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। ये सब चीज़ें हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम सेल के भीतर प्रेजेंट एक सिंगल वॉल्ड एक भित्ति द्वारा ढकी लगभग गोल आकार की संरचना होती है, और ये जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बैक्टीरिया में अब्सेंट होते हैं। बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, जीवित जीव जंतु होते हैं, सभी में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये देखते हैं इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, लाइसोसोम्स आर सिंगल वॉल्ड स्फेरिकल वेसिकल्स। इस लाइन से हमको पता चलता है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सिंगल वॉल होते हैं, एक इकहरी भित्त से घिरे होते हैं। और कैसे होते हैं? स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब गोलाकार का, गोलाकार हम इसको नॉर्मल बोल सकते हैं, गोलाकार। और वेसिकल्स का मतलब होता है कुछ फफोला या फिर छाले नुमा संरचना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, छोटी सी गोल आकार की संरचना होती है जो कि एक सिंगल वॉल से घिरी हुई होती है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो दिस वेयर डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डी डुबे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बार बार पूछा जाता है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था। तो आपका आंसर होगा क्रिस्टियन डी डुबे, या फिर नॉर्मली आप डी डुबे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो लगभग सभी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, एक्सेप्ट की हिंदी होती है को छोड़कर। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़कर, जीवाणु को छोड़कर जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं उनमें लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखते हैं, या लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाई जाती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया है हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स जो डाइजेशन में, पाचन में हेल्प करते हैं, किसी भी पार्टिकल को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे एंजाइम्स को हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उनमें कुछ पाचक एंजाइम्स होते हैं, सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं। अगर इसके हम फंक्शन की बात करें तो जो इसका मेन फंक्शन है वो कुछ जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, आप देखते हैं कि शरीर की कोशिकाओं में बाहरी कुछ पार्टिकल्स प्रवेश कर जाते हैं, तो उन बाहरी
जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ये डाइजेस्ट कर देता है, या फिर हम यूं बोले कि उनको नष्ट कर देता है। देखते हैं, मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज डाइजेशन ऑफ मटेरियल व्हिच एंटर्स द सेल। इसका जो मुख्य कार्य है वो ये है कि कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल प्रवेश करते हैं उस मटेरियल को ये डाइजेस्ट कर देता है, अर्थात उसको ये पचा देता है। अब क्योंकि ये उस मटेरियल को पचा देता है जो कोशिका में प्रवेश करता है, इसी वजह से हम इसको एक और नाम डाइजेस्टिव बैग्स के नाम से भी जानते हैं। इस सेंटेंस को अगर हम पूरा करें, मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज डाइजेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल में होता है पदार्थ, कुछ मतलब जो इंटर मतलब प्रवेश करना या प्रवेश जो कि कोशिका में प्रवेश करता है, हेंस का अर्थ होता है इसलिए आकार डाइज कहा जाता है। डाइजेस्टिव बैग्स पाचक थैलियां जो पाचन में मदद करें, ऐसी बैग्स तो हम इसको पाचक थैलियां या फिर डाइजेस्टिव बैग्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि लाइसोसोम जो होता है कोशिका में कोई भी पदार्थ प्रवेश करता है तो ये उसका डाइजेशन कर देता है, उसको पचा देता है। दूसरे इसके फंक्शन के बारे में अगर बात करें, दे परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। यहाँ पर फैगोसाइटोसिस एक नया वर्ड यूज हुआ है जिसका अर्थ होता है भक्षण, भक्षण करना, यानी कि कोशिकाओं में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो बाहरी कोई सूक्ष्म जीव जो हमारे कोशिका के लिए हानिकारक हो सकता है उन सबको ये मार देता है, उनका भक्षण कर लेता है और कोशिका की रक्षा करता है। एक और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर टर्म दिया गया है सुसाइडल बैग्स। एक और इसका फंक्शन होता है, या यूं कहें कि इसकी कमी होती है, जब कोशिका में कोई इम्बैलेंस हो जाता है, असंतुलन की स्थिति उपस्थित हो जाती है, तो उस समय ये जो लाइसोसोम्स होते हैं वो फट जाते हैं और जिसकी वजह से उस कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अब उस कोशिका की मृत्यु हो जाती है, इसी कारण से इनको आत्मघाती थैली या फिर इंग्लिश में सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं इस लाइसोसोम को? जब कोशिका में कोई अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, कोई असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, उस समय ये जो लाइसोसोम्स होते हैं वो फट जाते हैं जिसकी वजह से उस कोशिका की मृत्यु हो जाती है। उस कोशिका की मृत्यु हो जाने की वजह से ही इस लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो गॉल्गी बॉडी या फिर गॉल्गी अपरेटस के नाम से हम उसको जानते हैं। एक और नाम इसका जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, डिक्टियोसोम भी इसको हम जानते हैं डिक्टियोसोम के नाम से। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिक्टियोसोम को हम और किस नाम से जानते हैं, तो ये देखते हैं। डिक्टियोसोम या फिर हम गॉल्गी बॉडी की बात करें तो इसकी खोज कैमिलो गॉल्गी ने 1898 में किया था, 1898 में। और ये जो हमारा गॉल्गी बॉडी या फिर गॉल्गी अपरेटस होता है ये एक कॉम्प्लेक्स जटिल संरचना होती है जिसमें वेसिकल्स और टिब्यूल्स ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर इस पूरे गॉल्गी अपरेटस को बनाते हैं। तो आइए पॉइंट वाइज हम इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें फीचर्स हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं।
तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, गॉल्गी बॉडी इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ बेसाइटल एंड टिब्यूल्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल या संयुक्त हम बोल सकते हैं। तो गॉल्गी बॉडी बेसाइकल्स और टिब्यूल्स से मिलकर एक संयुक्त संरचना होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गॉल्गी इन 1898। कैमिलो गॉल्गी ने 1898 में इसकी खोज किया था। और जो गॉल्गी अपरेटस है, लाइसोसोम की तरह ये भी सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स को छोड़कर और मैच्योर मैमेलियन आरबीसी को छोड़कर। यानी कि ये प्रोकैरियोट्स में हमारे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये दो जीव आते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में गॉल्गी बॉडी अब्सेंट होता है। साथ ही साथ जो मैच्योर का होता है परिपक्व माइमेलियन का मतलब होता है अस्तनधारी, जो अस्तनधारी होते हैं उनकी मैच्योर आरबीसी में परिपक्व लाल रक्त कणिकाओं में गॉल्गी अपरेटस अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो जो भी मटेरियल सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत बनते हैं उन मटेरियल्स को ये पैक करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने का काम करता है, कोशिका के अंदर ही या फिर कोशिका के बाहर भी ये जो मटेरियल्स होते हैं उनको पैक करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है ये गॉल्गी बॉडी। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम के निर्माण में भी ये मदद करता है, या हम यूं कहें कि इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, कार्य होता है लाइसोसोम का निर्माण करना। अब यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे, इधर बेसाइकल्स और ये खुला हुआ भाग सिस्टर्ने जिस, और ये जो संरचना है इसको हम टिब्यूल्स बोलते हैं, टिब्यूल्स। अब इस बेसाइकल्स और टिब्यूल्स से मिलकर बनी यह संरचना होती है। अगर आप इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखें तो ये जो रीजन है आपको ये एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखेगा, कॉन्वेक्स रीजन जिसको हम उत्तल बोलते हैं कॉन्वेक्स, और ये बीच में क्योंकि इसमें फंसा हुआ पार्ट है इसलिए हम इसको कॉनकेव रीजन बोलते हैं रीजन। तो ये अवतल लेंस की तरह दिखेगा आपको। जो ये कॉनकेव रीजन है, उत्तल रीजन है, क्षेत्र है, उठा हुआ भाग, इस रीजन की जो बेसाइकल्स और टिब्यूल्स होती हैं उनका आकार छोटा होता है, और जो कॉनकेव रीजन के बेसाइकल्स और टिब्यूल्स होती हैं उनका आकार आप देखेंगे तो थोड़ा बड़ा आपको दिखेगा। यही जो कॉनकेव रीजन के बेसाइकल्स और टिब्यूल्स हैं जिनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, वो यही रीजन लाइसोसोम के निर्माण में काम करता है। ये जो आपका दिख रहा है पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का निर्माण इसी कॉनकेव रीजन में ही होता है। नेक्स्ट है हमारा इसका जो फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर। शुगर जो सिंपल शुगर्स होती हैं उन सिंपल शुगर से मिलकर कॉम्प्लेक्स जटिल शुगर का निर्माण भी हमारा गॉल्गी बॉडी करता है।